अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एफडी जो मार्केट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जौन सी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब अनाउंस हुई है उसके बारे में। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, आपने गौर से वीडियो को वॉच करना है, स्किप नहीं करना और लास्ट तक वॉच करना। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल एफडी जो मार्केट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपने गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने उनकी वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट शो होगी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अप्लाई ऑन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने उनकी डिटेल, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मानसेरा वाइल्ड लाइफ डिवीज़न जॉब्स 2020, इसमें जॉब अनाउंस हुई हैं। और मैं पहले बता दूँ, ये मानसेरा जो सा डिस्ट्रिक्ट है डिवीज़न, वो उसके लोग सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा किसी डिस्ट्रिक्ट या किसी और प्रोविंस के लोग नहीं अप्लाई कर सकते। केपी के जो सा मानसेरा डिवीज़न है उसके लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी डिटेल है। नीचे आप 18 अगस्त को ये ऐड आई थी और लोकेशन इसकी मानसेरा है और एजुकेशन इंटरमीडिएट मांगी है इन्होंने और लास्ट डेट इसकी 2 सितंबर है और टोटल वैकेंसी इसकी 5 हैं और कंपनी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट केपी के। और ये एड्रेस है इनका, डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मानसेरा वाइल्ड लाइफ डिवीज़न मानसेरा। और ये नीचे डिटेल आ जाती है इसकी। क्वालिफिकेशन आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए सेकंड डिवीज़न के साथ किसी भी फील्ड में और आपकी मैट्रिक साइंस के साथ होनी चाहिए। और एज आपकी 18 से लेकर 28 के दरमियान में होनी चाहिए, 28 से ज़्यादा ना हो। और मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28। और हाइट आपकी 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए और चेस्ट आपकी 32-34 होनी चाहिए। और रेस आपकी रनिंग होगी, रनिंग टेस्ट होगा आपका, 3 किलोमीटर की रेस होगी, 12 मिनट में आपने उसको क्लियर करना होगा। और डोमिसाइल आपका मस्ट है मानसेरा का होना चाहिए। और इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपने एक ऑनलाइन इनकी वेबसाइट है ITA, उधर से जाकर आपने एक चलान फॉर्म ले लेना है, इनका डाउनलोड कर लेना है। चलान फॉर्म निकाल के उसकी 450 फीस है, वो चलान आपने HBL या अलाइड बैंक में पेड करना पड़ेगा आपको। ये यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप चलान भी ले सकते हैं। और नीचे आपने उस चलान को एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद इस एड्रेस पर आपने उसको भेज देना है। ये एड्रेस है वो चलान की कॉपी, और आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल के इस एड्रेस पर भेजना है 2 सितंबर से पहले पहले। ये इसका एडवर्टाइजमेंट है। ये तादाद इसकी सामने की 5 है, 2 मेरिट ओपन मेरिट है, 1 मुस्लिम प्रोटेक्टेड एरिया और 2 अकलीती कोटा है। और ये आपको मैंने डिटेल इसकी बता दिया, किसी भी मुस्लिम बोर्ड से मैट्रिक साइंस के साथ आपने किया इंटरमीडिएट सेकंड डिवीज़न, और ये आपको मैंने सारी डिटेल बता दी है। और आपने ITA की जो सी वेबसाइट है वहाँ से जाके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, और आपने 2 सितंबर से पहले पहले उस एड्रेस पर भेज देना है। और आपका जो सी फीस होगी वो 440 रुपये हबीब बैंक या लाइट बैंक में ऑनलाइन जमा कराएंगे आप। और आपने वो उस ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप को ITA के ऑफिस इस एड्रेस पर, मैंने पहले बताया है, आपने भेज देनी है 2 तारीख से पहले पहले। और ITA उम्मीदवार को बजरिए आपको SMS या कोई डाक में असर नहीं होगी, आपको जो उनसे रिटर्न टेस्ट होगा आपको वहां पर शो कर दिया जाएगा वेबसाइट पर। आपने वहां से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेनी है और यहां पर आपको एक रिटर्न टेस्ट होगा, उसमें से आपने 50% मार्क्स लेने होंगे। फिर आप मेडिकल टेस्ट के लिए एल होंगे, फिर मेडिकल टेस्ट के बाद आप फिज़िकल टेस्ट में जा सकेंगे और उसके बाद इंटरव्यू में। और किसी को भी वो डाक या कोरियर या SMS के थ्रू आपको इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा, आपको अपनी रोल नंबर स्लिप के बजरिया कोरियर नहीं भेजी जाएगी, आपको उनकी वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर लेनी है, उधर से आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। ये इंस्ट्रक्शन हैं, और भी किसी चीज़ की आपको ज़रूरत हो इन्फॉर्मेशन की तो आप इनकी इंडिपेंडेंट टेस्टिंग एजेंसी से, ये इनका फ़ोन नंबर है, वहाँ से आप उनकी वेबसाइट से जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और आपने अपनी इंटरव्यू के दौरान असल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, और आपने कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं वहाँ पर लगानी, क्योंकि वो आपके ये अगर किसी उम्मीदवार के सनात जाली करार पाए गए तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने सारी डिटेल आपकी जो भी है वो आपने अपलोड करनी है, ठीक हो गया। ये मैं आपको बताता हूँ कि इनकी वेबसाइट से यहाँ पर क्लिक कर लेना है, वेबसाइट ओपन हो जाएगी ITA, वहाँ से आपने चलान फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना है।
ये है, ये एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट भी क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म है और यहाँ पर लास्ट डेट एप्लीकेशन सबमिशन की बताई है और ये टेस्ट डेट है, विल बी अपलोडेड सून, ये आपको बाद में बता देंगे यहाँ पर ही। और यहाँ पर आपने एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर फॉर्म, ये इनका फॉर्म आ गया, ये अभी आपके सामने शो हो जाता है। ये उनका, उनकी वेबसाइट से आपने फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड आपने इसको फिल करना है। ये आपकी एक पासपोर्ट साइज़ एक फ़ोटो होनी चाहिए, पिक्चर, और आपने ये आपने इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से आपने पढ़ लेनी है। और ये बैंक कोड है जो उनसे बैंक में आपने फ़ी जमा करवानी है, और यहाँ पर डिपॉजिट डेट जिस तरीके को आपने जमा करवाई है, और यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ पर नेम, फादर नेम, कैंडिडेट CNAC, डेट ऑफ बर्थ, और मेल हैं तो मेल या फीमेल, तो वो आगे नीचे आपने अपनी सारी डिटेल देनी है। इंस्ट्रक्शन अच्छी तरह से रीड कर लेनी है। और यहाँ पर आपने अपनी क्वालिफिकेशन की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, जितनी भी आपकी क्वालिफिकेशन है, अदर एक्सपीरियंस या अदर क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा जो भी हैं, तो आपने यहाँ पर उनको ऐड करना है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कार्ड, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो उसका रिकॉर्ड लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपने अपना नेम, फादर नेम लिखकर यहाँ पर डेट लिखनी है, और यहाँ पर आपने अपना थंब लगाना है, और यहाँ पर आपने सिग्नेचर करके, और दो आपने पिक्चर यहाँ पर लगानी है, टोटल तीन पिक्चर। ये आपने अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन रीड कर लेनी है। और आपने इस एड्रेस पर उनके, ये जो उनसे एड्रेस है, यहाँ पर आपने इसको भेज देना है, और पे जो उनसे स्लिप आपने वो जमा करवानी है, तो उसकी एक कॉपी भी। और ये थी वीडियो आज की, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।